गांव की चौपाल कार्यक्रम में माहौल जानने के लिए हम पहुंचे हैं नवा विधानसभा क्षेत्र के गोगोर गांव में। और गोगोर गांव में यहां पर बल्डा बालाजी धाम में एक कार्यक्रम चल रहा है। चारों तरफ मैं कैमरामैन से कहूंगा कि चारों तरफ लाइटिंग दिखाए। यहां पर एक शानदार कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के बीच में ही हम यहाँ पर रुके हैं। गोगोर में ग्रामीण हमारे साथ जुड़ेंगे, कई लोगों से हम बात करेंगे, क्या माहौल है नवा विधानसभा क्षेत्र का, किसके पक्ष में माहौल है, किस आधार पर वोट करेंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आप अपना नाम बताइए, क्या नाम, आगे आइए। मदन लाल जी कुमावत, हिरानी सरपंच। अच्छा, आप हिरानी के सरपंच हैं, मदन लाल जी कुमावत हैं, थोड़ा सा आगे आओ। क्या माहौल है? माहौल साहब महेंद्र चौधरी के पक्ष के मान है, विकास का पक्ष के मान है। ये विकास करवाया है और 36 कौम को सबको साथ लेर चालिया है और कोई भेदभाव नहीं रखे है नवा तहसील में। लोग तो आके कुमावत बीजेपी में ज़्यादा है? नहीं नहीं, बीजेपी में कोई माहौल नहीं है। बीजेपी का तो ये बेटा रहे झूठा पैका है, कोई दो चार गांव के मान है वो झूठा पैका राड़ा है और बाकी कुछ नहीं बचे है, फालतू पैका राड़ा है। और नावा को ओवरऑल बताओ, कुचामन नावा और गांव का सगड़ा कुमाऊँ समाज का वोट कहीं कठिन जाती? कुमाऊँ समाज का साहब कोई दो चार पाँच दस ने जगह पैका राड़े ने जगह, और कुमाऊँ समाज विकास की लहर है, महेंद्र चौधरी की लहर है। ये सब वोट कांग्रेस को देगा, महेंद्र चौधरी को देगा, क्योंकि ये सब कुमावतों को यह होगा कि कुमावत महेंद्र जी हारो चाहे हरीश जी हारो, ये दोनों है ना सब आज 25 साल का मान में कुमार समाज से कहता हूँ कि दोनों रहता न तो ये दोनों हाथ मिलाकर ही नहीं सरता, ये कदी आगे तुम नहीं हुई। ये जगह बार है, हार जाता है तो हार से नहीं होती है। महेंद्र जी ने कदी भी कोई आदमी ने, कोई अधिकारी हो चाहे प्रजातंत्र हो चाहे कोई वोटर हो, सभी ने हाथ जोड़ नहीं दिया, भाई न्याय जनता ने, जनता कर चुकी, जनता कर दियो जो हमारे मंजूर है, तो ये उसको नहीं होता है। तो महेंद्र चौधरी का विचार और आगा ह्यूमरस और आगा काम देके और कोई भेदभाव नहीं है, मैं के समाज का काम है तो समाज का माँ का ब्याह कर लियो, शादी कर लियो, बेटी दे दियो, बेटी ले लियो। हमारे वोटर के मान हम सब समाज साथ है, मेरे जाट भी भाई है, मेरे गुजर भी भाई है, और मैं सब जाति है सोच ली है कि महेंद्र चौधरी को विकास को वोट देना है और नहीं तो नवा तहसील पिछड़ जाएगी। चलो ठीक है, आप बताइए अपना नाम क्या है? दातार सिंह गुर्जर है। दातार सिंह गुर्जर, हाँ, इस गोगोर का रहने वाला हूँ। और हमारे यहाँ गोगोर बूणी पूरी नवा विधानसभा क्षेत्र में वास्तव में खुशी का पर्व है। लोग बा इंतजार कर रहे हैं कि कब 25 तारीख आए और हम कब मतदान करें और महेंद्र चौधरी को वापस जीता करके और विधानसभा में भेजे। देखिए, आप गुर्जर हो इसलिए पूछ रहा हूँ, सचिन पायलट को CM बना रहे थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यूँ मानिए उनके एक शीत युद्ध चला था, उस बात को लेकर कहीं गुर्जर समाज में नाराजगी नहीं? नहीं नहीं, किसी प्रकार के नहीं है। बीजेपी की में तो हमारे बेहतर गुजरों को शहीद किया था, महाराणी ने गोलियां चलाई थी गुजरों के ऊपर, वो बात हम बोलने वाले नहीं है समाज के। हम पहले भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में थे, पायलट साहब के हाथ मजबूत करने, और अब की बार पायलट साहब कांग्रेस में, ये इनका वोट लेने का, वोट लेने का एक जो पर्याय बना हुआ है इसको मिटा देंगे और नवा विधानसभा क्षेत्र में गुजर समाज कांग्रेस के पक्ष में और सचिन पायलट साहब के हाथ मजबूत करेंगे महेंद्र चौधरी को वोट दे करके। आप आओ, आगे आओ बाबू जी, आगे आओ, थोड़ा सा काय ना होता मोहन, मोहन जी पूरा नाम बताओ। मोहन जी मेला, मोहन जी मेला, कौन सा गांव? लिचणो आए गोजरे थी आज, लिचणे का आए क्या थे? चलो लिचणे को बता दियो, चलो लिचणे को तो अब ठीक ही है, तो लिचणो तो मैं तो ए तो है कोई नहीं मांगे लिचणो, लिचणो गांव है जो को परबसर में आवे, तो रामनिवास जी को है बेटे, मान जी को अब बेटे तो अबे आले रामनिवास जी, मान जी तो है ही है, अरे भाई लचराम जी फेरू का जो आलो पूरा सतन तो कोनी काई बैठी है। नावा को, नावा को तो महेंद्र जी को है पक्का, पक्का 100%। और भी कई लोग हैं, आप युवा हो, आप बताओ। मेरा नाम मुकेश किरडोली है, मैं गोगोर से निवासी हूं और अब की बार ही मैं वोट करूंगा और बीजेपी को नहीं करूंगा, मैं कांग्रेस को वोट करूंगा, क्योंकि कार्य किए हमारी पढ़ाई के लिए, बहुत से पॉलिटेक्निक कॉलेज और 10 कॉलेज के समथिंग करवा दी और चारों तरफ रोड का जाल बिछा दिया, तो मैं तो विकास पुरुष के नाम पर और विकास के नाम पर वोट दूंगा। चलो आप आगे आओ, देखें थोड़ा थोड़ा सा आप जगह कर लो, थोड़ी सी आप जगह कर लो। आप बताओ क्या नाम आपका? मुकना राम है सर। मुकना राम जी, कहाँ माहौल है? माहौल तो बहुत तगड़ो है, हाँ, महेंद्र जी के पक्ष में। अतो तगड़ो ज्ञान है, अतो तगड़ो विकास पुरुष ज्ञान को जन्म्योन जन्मबा को, हाँ, आज तक तो 70 साल में कराई हो कोनी कोई काम है, हाँ, तो इव आज तक ज्ञान का आदमी ने घुमाणु नहीं चाहिए, पेल के 22,000 जीतणु चाहिए, पेल के 22,000 जीत सी
यहाँ मान लियो जीत थे तो को जीत सी, लेकिन कई गाँव में मैं गया भटके बोली ठाडी टक्कर है बहुत तकड़े ठाडी टक्कर है टक्कर बाप जी ले बाड़ो है ही को नहीं करा कहीं। हाँ चलो आप युवा हो आप बताओ किस आधार पे वोट। हमारा आधार यही रहेगा कि हम विकास के नाम पे वोट देंगे। आज से 5 साल पहले हमारे विधानसभा की स्थिति थी कि एक भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं था। आज हमारी विधानसभा क्षेत्र में 10-10 कॉलेज यदि खुलाई है तो वो केवल और केवल माननीय विधायक महेंद्र जी चौधरी ने खुलवाई है। आज हम जनता अपना भविष्य ये निर्धारित करेंगे वोट के माध्यम से। मैं प्रथम बार इस मतदान के अंदर विधानसभा में वोट दूंगा तो मैं यही चाहता हूं कि हमारा विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत के पीछे वाली सीट पे बैठे, और ये कभी भी नहीं चाहूंगा कि 200 नंबर वाली सीट पे बैठने वाला विधायक हमारा बने। हम ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारा विधायक वहाँ जाके नींद ले। क्यों हम 5 साल उसे वोट देते उसे जिताते और वो वहाँ जाके नींद ले, ये हमारी जनता के साथ खिलवाड़ है। इस बार हमने हमारे माननीय विधायक श्री महेंद्र जी चौधरी को वोट दिया और आज सरकार ने उन्हें उप मुख्य सचेतक बनाया, अर्थात जिसका काम होता है सचेतक का अर्थ सब जानते हैं जगाना। तो अब हम पर डिपेंड करता है कि हम एक जगाने वाले को वोट दें या विधानसभा में सोने वाले को वोट दें। मेरे को लगता है आप महेंद्र जी के भाषण ज़्यादा सुनते हो और जो महेंद्र जी का भाषण है वही आपने रिपीट कर दिया। नहीं नहीं वो बात नहीं है, लेकिन जनता की यही राय है कि सोने वाले को वोट नहीं देंगे, जागने वाले को वोट देंगे। 200 नंबर वाली सीट वालों को वोट नहीं देंगे, 1 नंबर वाली सीट को वोट देंगे। चलो ये युवा है इनका कहना है कि महेंद्र जी को वोट देंगे, आप आगे आओ देखा आगे आओ थोड़ा सा कहना होता रूपाराम रूप जी का माहौल है बढ़िया है ठीक है पक्ष में महेंद्र जी का कहीं आधार पर कह रहे हो विकास करिए विकास करिए काम करिए लोगों के बयान ते बयान बताओ काम के सागे सागे पर्सनल व्यवहार क्या कहीं और बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है। आप बताओ दे बालीराम किरडोलिया गोगोर का निवासी ये बताओ दे कहीं माहौल है बढ़िया माहौल है साहब महेंद्र जी को 1 नंबर माहौल है और खुद की बढ़िया छवि है आदमी का आधार पर बढ़िया वोट दे से। चलो और भी कई लोग हैं बुजुर्ग आदमी है थे पूर्व सरपंच हो गए ईरानी का थे बताओ दें कहीं माहौल है बढ़िया माहौल है जोरदार माहौल है महेंद्र जी चौधरी को वोट दे रहे 30,000 वोटों जीता बागो है। मैं तो एक दिन ईरानी में गया बट लोग क्या करे बीजेपी जीती बस तो लोग तो कब हो गए 4 आदमी है 5 आदमी है कह दियो तो कह दियो बाकी थोड़ी है वोट एक लंग नहीं वोट तो मक नहीं है आज आज मैं क्यों उठा एक आदमी मारे लेने 100 वोट तो मारे परिवार का है महेंद्र जी को वोट देर जितना है अब बात है कहीं नाम था पूरा नाम रामदीन मेघवाल पूर्व सरपंच ईरानी ईरानी का पूर्व सरपंच है रामदीन जी थे बताओ दे था कहीं नाम है आगे आओ थोड़ा थे आओ आगे आओ कहीं नाम था मारा नाम सोन जी डोडवड़े सोन जी डोडवड़िया होते चलो बताओ कहीं माहौल है माहौल है महेंद्र जी चौधरी को पक्का गाडो यहाँ हाँ गाडो है मगर तो चलो ठीक है और भी कई लोग है बात कर से हमें थे बताओ दे था कहीं नाम है हनुमान जी का माहौल लगे बढ़िया माहौल हनुमान जी कुमाऊ तो थे कुमाऊ तो कहना हनुमान जी वोट ही कौन दे कांग्रेस ने बीजेपी बीजेपी थे भी कुमाऊ तो गए रमेश जी नाम है खटा करे बड़ा ईरानी का हाँ हाँ ईरानी में एक दिन गया मैं बट लोग क्या बीजेपी को पलड़ो भारी है अच्छा बमन से मैं गया होते बमन से मैं गया होते नहीं मैं तो गुआड़ में गया अठे गुआड़ में आया भटे गुआड़ में पूरा महेंद्र जी के साथ महा पूरा ही कुमावत कुमावत पूरा यहाँ की कौन छोटा बाकी पूरा दे महेंद्र जी विकास कई के हाल मे कमेटी को फैसलो को नहीं है कुमाऊ समाज फैसलो करी मैं तो कमेटी होगी मगे तो मैं तो कमेटी कर भी फार बगा दी और मैं तो महेंद्र जी के पक्ष में मगर धंधो छोको करियो 5 साल में मनसोरा रंगे 5 साल में गए उम्र रोटी कर दी अजी उम्र रोटी कर दी पहली पे कोई नौकरी नहीं ज्यादा जगह पेंशन मिलती आज आज 58 साल को मोटियार 55 साल की लुगाई बिन पेंशन पहली 500 रुपया करिया महेंद्र जी का करेड़ा है फिर 650 करिया आज 1,000 रुपया कर दिया हर घर में 3600 में पूरी में आज सबका घर घर में पीछा जा रहा है मंदिर में दर्शन कर पाया होगा हाँ मंदिर में दर्शन करवाया इस वक्त तो बोलो कृषि वो धर्म है धर्म बढ़ सी आगे होते आगे होते हम आगे पीछे पीछे आए हो ठंडा पड़ गया मैं आया ईरानी में जा रहा आज ये माँ को वीडियो देख लियो और अंठा पड़ गया ईरानी का माँ ने बीजेपी ने मजबूत बताई है अब तुम नाम बताओ मारो नाम ऐसा मोहन डोडवड़िया
खेत बटा हिरानी का मैं सेका डाणी को सिंधपुरा बोला है। अच्छा सिंधपुरा का हां ठेके रे हो गए बराबरी को माहौल कहीं महेंद्र जी आ गए। हां महेंद्र जी आ गए साहब पूरे विधानसभा में बहुत विकास करायो बहुत विकास करियो मके तो याने आंगणो ही काचो कोन चड्यो कटाए। अब अपना टाइम में काय कर और भी कई युवा है मके सागे जुड़छी। आपका नाम बताओ। मेरा नाम है हरीश आचार्य। हरीश आचार्य हां जी। कहां के रहने वाले हो। कुचामन सिटी। बताइए क्या माहौल है। माहौल महेंद्र जी चौधरी का माहौल है यहां पे और मैं आपको बताना चाहता हूँ भाजपा का जो रास्ता है उसके अंदर कुछ काम नहीं हुआ है। आज बच्चे बच्चे को पूछोगे आप तो आपको ये बताएगा कि आज कुचामन कहाँ पे है। राजस्थान के नक्शे के अंदर आज कुचामन सिटी का नाम है तो महेंद्र चौधरी की वजह से है। आप आजकल नवा के अंदर जाओगे तो 10-10 कॉलेज मिलेगी आपको देखने के लिए। बच्चा जाएगा तो किस लिए जाता है, पढ़ने के लिए जाता है। अगर शिक्षा ही नहीं रहेगी तो फिर क्या मतलब ऐसा वोट किस लिए। इसलिए हमें वोट महेंद्र जी चौधरी को देना है। सभी को एक ही बात कहना चाहूँगा विकास के नाम पर वोट करें, जातिवाद ना करें। चलो तो ये था गोगोर का जो माहौल आपने देखा। यहाँ पर बल्डा बालाजी का जो एक कार्यक्रम चल रहा है बहुत बड़ा कार्यक्रम है। चारों तरफ सजावट हो रखी है। यहाँ पर कई लोग खड़े हैं, इनसे हमने बातचीत की और भी कई लोग जुड़ेंगे उनसे बात करेंगे। आप आओ देखें। क्या नाम है आपका। लिचमन जी। कौन सा गाँव है। गोगोर है। गोगोर का हाँ का माहौल है गोगोर को। कांग्रेस है सब। कांग्रेस है हाँ सगड़ा कांग्रेस यहाँ बोल जाए बीजेपी है ही हुला 10-20 वोट आ जा कांग्रेस ये सभी कांग्रेस है। काम कराइए बढ़िया महेंद्र जी। गोगोर में तो काम हो बहुत बढ़िया काम कराइए। सड़कें कराइए स्कूल 8 युद्ध जो 12 युद्ध करा दी और भी पानी की पाइपलाइन गढ़ रही है। काम खूब कराया साहब सड़कें करा दी। काम का आधार पर महेंद्र जी के साथ। हाँ काम का आधार पहल के महेंद्र जी के साथ आगे महेंद्र जी के साथ ही। महेंद्र जी का पक्का आदमी होते पक्का ही हमें तो सही है। काय नाम था। एमआर रामा जी। एम जी का माहौल लगा है बढ़िया है। माहौल के पक्ष में है महेंद्र जी का पक्ष में। कहीं कारण हुआ है तो माहौल है सगड़ा एक पक्ष में क्या बोल रहे हो। एक पक्ष में घटा बोल रहे साहब पार्टी पार्टी शाखा ऐसे पर मैं तो महेंद्र जी के नाम। आप बताओ देगा आप युवा हो क्या नाम है आपका। राजवीर सिंह। राजवीर सिंह क्या माहौल है गोगोर में जहाँ भी जा रहे हैं महेंद्र जी का नाम ले रहे हैं। आप बताओ क्या है माहौल। बिल्कुल है माहौल उन्हीं का ये क्यों नहीं होगा माहौल। आप देख लो कुचामन को देख लो ना जिला बन गया हमारा कुचामन। दूसरी चीज़ आप कोई भी विभाग को लेके देख लो जिस प्रकार आप पहले की सरकार देख सकते हो उसमें कितने काम हुए हैं और इस सरकार ने कितने काम कराए हैं। 2-3 मुद्दों के अंदर आप ये नहीं बोल सकते कि 2-3 मुद्दों की वजह से आप किसी सरकार को खराब बोल सकते हो। बाकी मुद्दे आप कोई भी उठा के देख लो। एक आप युवा हो इसलिए पूछ रहा हूँ कि जातिवाद की बात लोग ज़्यादा करते हैं। आप राजपूत हो। लोग कहते हैं कि राजपूत जाट को वोट नहीं देता जाट राजपूत को नहीं देता। लेकिन यहाँ पर नावा का जो माहौल हमने देखा वो स्पेशल यही है कि राजपूत समाज के वोट महेंद्र जी के साथ बड़ी संख्या में। क्या कारण है जी इसका। ये कारण तो देखो मेनली ये है उनका मिलनसार स्वभाव सबसे। दूसरी चीज़ ये है कि हम आज से उनको वोट नहीं देते हैं। पहले भी जब उन्होंने चुनाव में उतरे हम तब से उनको वोट दे रहे हैं। मेरा गांव कांकरिया है आप आके देख सकते हो वहाँ पे उन्होंने क्या क्या विकास कराया है। यहाँ की पहली स्कूल थी वो जिनको उन्होंने प्राइमरी से सेकेंडरी करवाया था। दूसरी भी उन्होंने बहुत सारी जैसे पानी की समस्या थी हमारी पानी की समस्या हल करवाई थी। जाने का रास्ता था इंडाली रोड नहीं थी एकदम नड़ा टाइप पड़ा था उसको उन्होंने पास करवाया था। एजुकेशन जो कि सबसे अच्छा सेक्टर है उसके अंदर अभी आप देख सकते हो नावा के अंदर गर्ल्स कॉलेज बनवाई है। ठीक है यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो नगर परिषद बना है। तो जो मेन चीज़ें हैं वो उन्होंने हल की है तो हम इस बार भी उन्हीं को वोट देंगे विकास के आधार पर महेंद्र जी के साथ। आप बताओ सर काय नाम था। नंदवीर गुर्जर। नंदवीर गुर्जर बताओ दें काय माहौल है। माहौल कहाँ है। कांग्रेस की पूरी सरकार आ रही है 156 सीटा 156 आ रही है पूरी। लेकिन पायलट साहब ने तो मुख्यमंत्री पहल के गुण बनाया तो पायलट साहब कांग्रेस का ही है तो कोई बीजेपी का थोड़ी है। हैं आपके बना देंगे आपके पायलट साहब ने मुख्यमंत्री नहीं बनावे तो गहलो सरकार बननी चाहे जब मांगे तो थाने तो गहलो सरकार चीज है कांग्रेस की सरकार चीज है। पायलट साहब कांग्रेस का सोनिया गांधी कांग्रेस की राहुल जी कांग्रेस का खड़गे जी कांग्रेस का मैं कांग्रेस का महेंद्र जी कांग्रेस का। कौन सा गाँव था। माको गाँव वही है गोगोर का ही हो तो गोगोर का ओवरऑल बताओ दें कहीं माहौल। गोगोर का ऑल ओवर है हमारा हिसाब अटे 70-72% महेंद्र जी का वोट है। 30% ही बीजेपी का। 30% में सारो काटो की चुड़वा है। हमने यहाँ पर गुर्जर समाज से बात की कुमाऊँ समाज से बात की राजपूत समाज से बात की जाट समाज से बात की। सभी समाज के लोग एक ही बात करेंगे महेंद्र चौधरी ने विकास बहुत करवाया है और इसी विकास के आधार पर एक बार फिर हम महेंद्र चौधरी को वोट करने वाले हैं। लेकिन तय होगा 25 नवंबर को कि वोट किसके खाते में जाता है और 3 नवंबर को परिणाम किसके पक्ष में आता है। बने रहिए आप हमारे साथ। आपको किसी और पंचायत में ले चलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।